निक फ्यूरी कॉल करने वाले हैं। निक फ्यूरी मुझे कॉल करने वाले? पर क्यों? तुम्हारे लिए कोई हीरोगिरी वाला काम होगा। तुम सुपर हीरो हो और वो सुपर हीरोज को ही कॉल करते हैं। मुझे निक फ्यूरी से कोई बात नहीं। फोन उठाओ। क्यों? क्योंकि तुमने उनसे बात नहीं की तो मुझे बात करनी पड़ेगी और मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। आपको क्यों नहीं बात करनी? मुझे उनसे डर लगता है। तुम फोन उठाओ ना। तुमने निक फ्यूरी का कॉल काट दिया? हाँ। निक फ्यूरी का कॉल कोई नहीं काटता। खाओगे? I'm so sorry, मुझे लगा तुम्हारी सिक्स सेंस काम करेगी पीटर। और नहीं, पंटर टिंगल। प्लीज मुझे पंटर टिंगल कहकर चिढ़ाना बंद कर दो। तुम मान या ना मान पर एक बात तुझे बता दूं, यूरोपियन लोग हम अमेरिकन्स पर फिदा रहते हैं। हाँ, सच। और उसमें भी आधी से ज्यादा तो लड़कियां होंगी। अच्छा no, हाँ? एक मिनट ये पकड़ोगे प्लीज? हाँ, ऑफ कोर्स, थैंक्स। तो तेरा वो अमेरिकन बैचलर इन यूरोप प्लान का क्या हुआ? पीटर, उस वक्त वो नादान बच्चा था, फिर वो बच्चा एक लड़की से मिला, एक बेहद हसीन खूबसूरत और जबरदस्त लड़की से, और अब वो बच्चा बड़ा हो गया है। तुझे पता था ब्रैड आने वाला? नहीं यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ। देखना, पहले वो एक छोटा बच्चा हुआ करता था जिसकी नाक से गंगा जमुना बहती थी, फिर वो गायब हुआ और वापस आया तो डोले शोले वाला डूड़ बनकर। मैंने बस अपनी आइसक्रीम फिनिश की ही थी। तुमसे तो बात कर पाना भी बड़ा मुश्किल है स्पाइडरमैन। टोनी के फ्यूनरल पर तुम्हें देखा था, पर वहाँ नंबर एक्सचेंज करना ठीक नहीं लगा। नहीं, वहाँ नंबर लेना तो ठीक नहीं होता। अभी मैंने और क्या कहा? मैं बस चेक कर रहा था, आज के हादसे के बाद तुम्हें कोई इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी तो। नहीं नहीं नहीं, हम ठीक है, सब ठीक है। सुनो सब लोग, नहर का पानी खतरनाक बैक्टीरिया से भरा हुआ है जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। बेब सो गए क्या? मैं कब से तुम्हें टेक्स्ट कर रही हूँ। हाँ, वो सो गया है बेटी। अब किसी ने उस दरवाजे पर दस्तक दी तो हमारा एक और फ्यूनरल अटेंड करना पक्का है। ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है। स्टार्क ने कहा था तुम ये नहीं समझो क्योंकि तुम राजकुमार फैन नहीं हो जानी। नहीं, रुको रुको रुको, रुक जा। अब तो कुछ गलत मत समझ लेना, मैं बस। अच्छा, क्या कर रहा है? ब्रैड, जो करना है कर। ब्रैड डेविस, उसके पास मेरी एक फोटो है। ब्रैड डेविस, क्या वो टारगेट है? हाँ, वो टारगेट है, वही टारगेट है। टारगेट ब्रैड डेविस है, हमले की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। एडिथ, ब्रैड को मत मारो। ब्रैड डेविस पर होने वाला हमला कैंसिल कर दो। क्या तुमने फ्लैश को पंच किया? नहीं। फायर। वो देखो कितनी सारी बकरियां। बकरियां कहाँ? तुम्हें क्या लगता है हम में से किसी ने ये नोटिस नहीं किया पीटर? क्या? तुम्हारा ये नया लुक, आई लव इट, है ना बाबू? थैंक्स एमजे। मैं स्पाइडरमैन हूँ। क्या? यही कहने वाले थे ना कि तुम स्पाइडरमैन हो। एमजे, मैं स्पाइडरमैन हूँ। तुम सच में सच बोल रहे हो? मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? अब की बार पक्का सच बोल रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। नेड, तुम आ गए। ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है तुम पर, और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तो तुम पक्का जीतोगे। भाई से पता है, मैंने बता दिया। तुमने कहा तुम्हें छुट्टियां मनानी है, तुमने कहा मुझे उस लड़की का प्यार पाना है। जरा अपने आप को देखो तो सही। पीटर, ये सब क्या हो रहा है? ये सिर्फ एक इल्यूजन है, छलावा। अच्छा, एमजे, एमजे। रास्ते निकल सकते थे। मुझे अपना फोन देना। ये लो। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड। हाँ, पासवर्ड क्या है? पासवर्ड, वही तो बोला मैंने, पासवर्ड। आप सिक्योरिटी के हेड और आपका पासवर्ड। हाँ, मैं जानता हूँ, सिखाओ मत मुझे। मैं तुम सबको पहुँचा रहा हूँ, जल्दी जेट में चलो। आप कौन हैं? मैं स्पाइडरमैन के साथ काम करता हूँ, चलो निकलो यहाँ से। स्पाइडरमैन के लिए काम करते हो? स्पाइडरमैन के साथ, स्पाइडरमैन के लिए नहीं। नया प्लान, टावर में चलो जल्दी। कैप्टन कैसे करता था ये?
हम मरने वाले हैं। वीडियो गेम्स के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद की। काश कुछ और किया होता। मेरे पास एक फेक आईडी है, काश मैंने उसे यूज किया होता। मुझे सच बोलने का चस्का है, फिर भले ही उससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। मैं स्पाइडरमैन की आंट से प्यार करता हूं। हम सीक्रेट शेयर कर रहे हैं ना? भाई सब नकली है, नकली छलावा। ओ तेरे हौसम है यार। छलावा खत्म हुआ बैक। ऐसा तुम्हें लग रहा है, पर ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कम ऑन पीटर टिंकल। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसे तोड़ दिया। जानता हूं, यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। तुम मुझे और झांसा नहीं दे सकते। मैं सोच रहा था हम लोगों को डबल डेट पर जाना चाहिए। हमारा ब्रेकअप हो गया। पर क्यों? आदमी और औरत गाड़ी के पहिए होते हैं। एक पहिया रुक गया तो दूसरे को अपने आप रुकना ही पड़ता है। उड़ते में टेक्स्ट मत करो। मैंने जान पर खेलकर एलिमेंटल को दूसरी दुनिया में धकेल दिया है, पर मुझे नहीं लगता इस वृत्त से मैं जिंदा निकल पाऊंगा। स्पाइडरमैन ने पता नहीं क्यों मुझ पर हमला कर दिया। उसके पास हथियारों से लैस ड्रोन्स की एक पूरी फौज है, स्टार्क टेक्नोलॉजी। उसका कहना है कि सिर्फ वो ही नया आयरन मैन बन सकता है और कोई नहीं। स्पाइडरमैन का असली नाम है पीटर पार्कर। What the fuck?